इधर छतरपुर के खजुराहो स्थित मतिंगेश्वर मंदिर में इस बार मोनिया नृत्य की धूम मची हुई है। बुंदेलखंड का यह प्रसिद्ध नृत्य दीपावली के बाद आयोजित होता है। दरअसल स्थानीय समुदाय के बीच ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। बता दें कि मोनिया नृत्य में कलाकार हाथ में मोर पंख लेकर नृत्य करते हैं, जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। इस नृत्य के माध्यम से लोग सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। महादेव के मतंगेश्वर के यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा नृत्य हो रहा है। बुंदेलखंड का नृत्य जो मोनिय महोत्सव है बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर, और जहाँ देखो जहाँ नृत्य नृत्य हो रहा है। आज हमारे मतंगेश्वर महादेव जी के मंदिर में समस्त क्षेत्र से, जिला भर से और अन्य जिलाओं से यहाँ पर मोनिया नृत्य वाले लोग आते हैं। मोनिया नृत्य जो यहाँ पर होता है वो बहुत देखने लायक है, और कई मोनिया नृत्य गायन करके नाच करते हैं और अपना खेल भी दिखाते हैं। बड़ा आनंद आता है, हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। तो छतरपुर की ये अद्भुत तस्वीर है, जहाँ पर नृत्य, ये प्रसिद्ध नृत्य दीपावली के बाद आयोजित होता है। स्थानीय समुदाय के बीच ये परंपरा यहाँ पर सदियों से चली आ रही है। मोनिया नृत्य में कलाकार हाथ में मोर पंख लेकर नृत्य करते हैं, जो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस नृत्य के माध्यम से लोग सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो मतंगेश्वर मंदिर में मोनिया नृत्य का ये जो कार्यक्रम था, ये धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया। यहाँ पर इस नृत्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। खास तौर पर बुंदेलखंड का ये काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है और इसकी काफ़ी मान्यता है। बुंदेलखंड में ये प्रसिद्ध नृत्य दीपावली के ठीक एक दिन पहले होता है। स्थानीय समुदाय के बीच यहाँ पर ये जो परंपरा है, इस नृत्य की परंपरा, नृत्य करने की जो परंपरा है, वो सदियों से चली आ रही है। तो मतंगेश्वर के दरबार में ये कलाकारों ने यहाँ पर अद्भुत प्रस्तुति दी, और यहाँ पर जो ये मोनिया नृत्य है, इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुँची थी। और इस नृत्य की सबसे खास बात यह है कि हाथ में मोर पंख लेकर नृत्य किया जाता है, जो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ा देता है।